Good morning, students. How are you all better? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. And your parents are also healthy too. So I hope you are enjoying online classes. I hope so, yes. So I welcome you in Thursday online class. Are you ready for the class? So I welcome you in Thursday Maths online class. So beta, do you remember what we have done yesterday? Yes, ordinal numbers 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. And today we will learn the spellings of these words 1st, 2nd, 3rd, so on. So let's watch the video and revise the ordinal numbers so that you can remember or revise what we have done yesterday. First, second, third and fourth, fifth, sixth and seventh jump, eighth, ninth and tenth spin. These are ordinal numbers. Sing together. First, second, third, fourth. First, second, third and fourth, fifth, sixth and seventh, eighth, ninth and tenth spin. These are ordinal numbers. So beta, I hope you have watched the video and revise what we have done yesterday. कल हमने क्या किया था? आपने वीडियो देखा और आपको याद आया होगा. तो अब हम करेंगे स्पेलिंग्स जो आपको बोलने आने चाहिए, लिखने अभी नहीं, ठीक है, बोलने आने चाहिए. तो सबसे पहला है वर्ड है हमारा फर्स्ट. तो फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं? 1st, है ना, कल हमने किया था फर्स्ट. अब फर्स्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? एफ हम लिखते हैं एफ आई आर एस टी फर्स्ट, ठीक है. तो फर्स्ट के क्या स्पेलिंग होते हैं? एफ आई आर एस टी, ओके. अब आ जाओ सेकंड. सेकंड हम कैसे लिखते हैं बेटा? 2nd, है ना, सेकेंड. अब सेकेंड के क्या स्पेलिंग होते हैं? एस ई सी ओ एन डी. सेकेंड, ओके. सो नाउ फर्स्ट सेकेंड. अब थर्ड. थर्ड कैसे लिखते थे हम? 3rd, है ना. अब थर्ड के क्या स्पेलिंग होंगे? टी एच आई आर डी थर्ड, ओके. अब फोर्थ के क्या स्पेलिंग होंगे? फोर्थ लिखते हैं हम ऐसे 4th, है ना. और फोर्थ के क्या स्पेलिंग होंगे? एफ ओ यू आर टी एच फोर्थ, ओके. अब आ जाओ फिफ्थ के स्पेलिंग. तो 5th, और फिफ्थ के क्या स्पेलिंग होंगे? एफ आई एफ टी एच फिफ्थ. अब सिक्स के क्या स्पेलिंग होंगे?
सिक्स लिखेंगे, सिक्स टी एच, और सिक्स के क्या स्पेलिंग होंगे, एस आई एक्स टी एच, सिक्स। ओके, अब होंगे सेवन्थ के, सेवन्थ के क्या, सेवन टी एच, और सेवन्थ के क्या स्पेलिंग होंगे, एस ई वी ई एन टी एच, सेवन्थ। एट्थ के क्या स्पेलिंग होंगे, एट्थ लिखते हैं ऐसे, टी एच ई आई जी एच टी, एट। ओके, नाइन्थ के क्या स्पेलिंग होंगे, नाइन्थ के नाइन टी एच एन आई एन टी एच, नाइन्थ। ओके, और लास्ट टेंथ, टेंथ के क्या स्पेलिंग होंगे, पहले हम टेंथ लिखते हैं, टेन टी एच, और टेंथ के क्या स्पेलिंग होंगे, टी ई एन टी एच, टेंथ। तो बेटा, आई नो कि आपको अभी स्पेलिंग्स नहीं आएंगे, पर आपको वर्ड्स लेटर्स तो लिखने आते हैं ना, तो एक एक लेटर को आप लिखिए और लर्न करिए, क्योंकि जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, तभी आपको स्पेलिंग्स आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में वर्ड बाय वर्ड कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, क्योंकि आपको कैपिटल लेटर आता है ना, तो उसी में आप लिखेंगे। तो फर्स्ट की दोबारा से एक बार ही देख लीजिए, फर्स्ट के दोबारा से देख लीजिए वीडियो में। Elsa is first. Angela is second. Augie is third. Minion is fourth. Tom is fifth. Mickey is sixth. Masha is seventh. Minnie is eighth. Anna is ninth. Olaf is tenth. F-I-R-S-T first. S-E-C-O-N-D second. T-H-I-R-D third. F-O-U-R-T-H fourth. F-I-F-T-H fifth. बेटा, आपने देखी वीडियो, समझ में आए स्पेलिंग्स? आपको कुछ नहीं करना, बस अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अरेंज करना है और लर्न करने हैं स्पेलिंग्स, ठीक है? आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे। बच्चों, आज की क्लास में आपको स्पेलिंग करवाए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है ताकि आप स्पेलिंग्स अच्छे से कर सकें। अल्फ़ाबेट्स आपको आते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को बस अरेंज करना है और लर्न करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। कल भी हम यही सेम टॉपिक करेंगे ताकि आपको स्पेलिंग्स लर्न हो सके और हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। और अपने मम्मा पापा को और बड़ों का कहना मानना है, उनको तंग नहीं करना है।